देखिए अपने जूनियर एनटीआर सर ने कुछ दिन पहले एक और पैनंडा फिल्म साइन कर ली है और इसमें धनुष सर भी होंगे। तो भैया आइए जानते हैं इस न्यू पैनंडा प्रोजेक्ट के बारे में। ऐसे तो आपको पता ही होगा ट्रिपल आर के जस्ट बाद ही एनटीआर सर दो फिल्में साइन कर लिए थे फटाफट। पहला क्रोटलेस शिवा के साथ इसका शूटिंग अगले महीने से चालू होगी और दूसरा NTR 31 जो बनने वाली है KGF डायरेक्टर यानी प्रशांत नील के साथ और ये एक गैंगस्टर टाइप की फिल्म होने वाली है। लेकिन अब इन सब के बाद एनटीआर सर ने एक तमिल डायरेक्टर बेत्री मरंग के साथ रिसेंटली एक मूवी फाइनल कर ली है। शायद आप इनका नाम पहली बार सुन रहे होंगे मगर आपने इनकी एक फिल्म जरूर देखी होगी जो काफी हिट हो गई थी गोल्ड माइन पर। इसका नाम था असुरन। इसके लिए डायरेक्टर थे धनुष सर और धनुष सर के नेचुरल परफॉर्मेंस के कारण ही ये फिल्म नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी है। और ही बेत्री मरन सूर्या सर के साथ भी एक पैन एंड प्रोजेक्ट बना रहे हैं वादी वसल नाम का। और ऐसा बताया जा रहा है बेत्री मरन हाल ही में एनटीआर सर के पास पहुंचे हुए थे इस प्रोजेक्ट के लिए और इस फिल्म को एनटीआर सर को सुनाया भी उन्होंने। और मजे की बात यह है एनटीआर सर इस फिल्म की कहानी से काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो चुके हैं और राजी हो गए इस मूवी को करने के लिए। देखिए असल में ये कहानी दो पार्ट में बनेगी जिसके पहले पार्ट में लीड एक्टर होंगे एनटीआर सर और एनटीआर 32 के अंत में ही केमियो किया जाएगा धनुष सर का और फिर ये दूसरे पार्ट के लीड एक्टर बन जाएंगे। यानी कि सिंपल भाषा में बोले तो बेत्री मरन को यूनिवर्स बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे कैसे लोकेश कनकराज की पहली LC यूनिवर्स की फिल्म कैदी के लीड एक्टर थे कार्थी और फिर उनके दूसरे विक्रम फिल्म लीड एक्टर हो गए कमल हसन सर और ठीक कुछ इस प्रकार ही बेत्री मरन भी NTR 32 को बनाएंगे। वेल अभी तो पहले हम NTR 30 देख लेते हैं जो आगे 2024 के अप्रैल महीने में, फिर उसके बाद NTR 31 गैंगस्टर फिल्म आएगा 2025 में और तब आखिर में 2026 या 27 में ही हमें NTR सर की बेत्री मरन वाली फिल्म देखने को मिलेगी। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।